वेलकम स्टूडेंट्स आईओ क्यू एम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के टू मार्क क्वेश्चन की सीरीज में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है नोट डेट फिफ्थ ऑफ अगस्त इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है स्टूरें डॉट आई ओ क्यू एम एग्जाम डॉट इन इस साइट पर जाके स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं रिमेंबर फिफ्थ ऑफ अगस्त लास्ट डेट है और थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर एग्जाम की डेट है तो आज इस सीरीज में जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वेश्चन है पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी आर ऑल पावर्स ऑफ के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के इट इज नोन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन आर एंड आर इज लेस देन हंड्रेड फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत है <coughs> so, यहाँ पे क्या बोल रहा है पावर ऑफ के है और के भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है और यह भी मालूम है कि जो ए एक्स स्क् माइनस बी एक्स प्लस सी है उसका एग्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन है इसका मतलब इसके रिपीटेड रूट से वो जो रूट है ना

कोई पावर के है कोई के पॉजिटिव इंटीजर है इज इक्वल टू के टू द पावर एल बी इज इक्वल टू के टू द पावर एम एंड सी इज इक्वल टू के टू द पावर एन सो यहां से हमारे क्या मिलता है बी स्क्वायर माइनस फोर टू जीरो सो के टू द पावर टू एम Is equal to 4 k to the power L and K to the power n. <coughs> so, what we get is k to the power 2 m divided by k to the power L k to the power n is equal to 4 and this gives us <coughs> k to the power 2 m माइनस एल माइनस एन इज टू फोर आई लिव दिसन को यहीं पर छोड़ देते हैं तो रिपीटेड रूट तो क्या होता है माइनस बी बाई टू है एक जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्स प्लस सी इज टू जीरो इसके रिपीटेड रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन टू है तो ये जो इसका रिपीटेड रूट इधर तो बी नेगेटिव है So, जो रिपीटेड टूट है वो आर क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू बी बाय टू ए. सो दिस इज इक्वल टू बी इज के टू पावर एम डिवाइडेड बाय टू ए इज़ के टू पावर एल विच इज इक्वल टू के टू द पावर एम माइनस एल बाय टू यहां तक क्लियर हो गया नाउ वॉट वी हैव टू सी अब हम हमारे पास दो ऑप्शन है सो फ्रॉम दिस वॉट वी गेट इज आइदर आइर केक्ल टू वन और वी कैन राइट दिस ऑल्सो इक्वल टू टू स्क्वायर देन के इज टू टू एंड टू एम माइनस एल माइनस एन इज टू दिस इज वॉट वी कैन डू बट हमारे को क्या दे रखा है हमारे को मालूम है कि बी ईवन है बी ईवन है तो हम इस इसी को यूज करके सी अगर हम बी ईवन यूज कर ले तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाता अगर बी ईवन है दैट मीनस के इज ऑल्सो इवन K is also even. <clears throat> if K is also even, what are the possible values of K? K can be equal to 2, K can be equal to 4, K can be equal to 6, like this. Right? <clears throat> Done? So, and the root is less than 100 has exactly one real solution and r is less than 100. <coughs> so what is r? <coughs> now if this is k is 2 or 4 or 6, let's say either k is 2 or 4, then r is some power of, <coughs> r is some power of 2, some power of 2, or it can be some power of 4. The maximum power of 2, the maximum power of 2, which is less than 100, will be 64. Or the maximum power of 4, also less than 100, will be 64. So, uh, we can clearly say that the root is 64 because if I want, so, uh, if I take 6, then the maximum power of 6, which is less than 100, <coughs> which is less than 100, will be 36. So we cannot have uh, k as 6. <coughs> so r is some power of 2, r is some power of 4. So we clearly see that r is 64, and we can see that x minus 64 whole square is equal to 0 that is x square minus 128x plus 64 square is equal to 0 is a quadratic equation is a quadratic equation where a is 2 to the power 0 b is some power of 2 and c is also power of 2 so the maximum possible value of r is फोर रिमेंबर स्टूडेंट्स यहां पे जो है अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते दिस और दिस, दिस टेकिंग इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोश, कोशिश करते दैट दिस इज लेस देन हंड्रेड अगर हम इस के को टू लेते ले और फिर इसको सॉल्व करते या के को फोर लेके इसको सॉल्व करते क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता और एग्जाम में तुम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा वंस यू रियलाइज दैट द रूट इज सम पावर ऑफ टू एंड बी इज इवन इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सिंपली डू द गेस्ट वर्क एंड देन वेरीफाइड एंड से आंसर इज सिक्स फोर होप दिस इज क्लियर टू यू इफ यू एंजॉय दिस लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अगर तुम्हारे पास कोई डाउट हो या तुम पूछना चाहते हो देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम